यहाँ पर दिया गया है log x प्लस 12 बेस टू 4 इंटू log 2 बेस टू x इक्वल टू 1। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, हम इस log 2 बेस टू x को हम इधर लाते हैं इसके अपॉन में, ठीक है। तो इसको लिखते हैं log x प्लस 12 बेस टू 4 इक्वल टू 1 अपॉन log 2 बेस टू x। इसके आगे देखिए ये 1 अपॉन log 2 बेस टू x है, तो जब ऊपर लेकर हम जाएंगे तो ये 2 वाला बेस हो जाएगा और x वाला इधर आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं log x प्लस 12 बेस टू 4 इक्वल टू, ये हो जाएगा log x बेस टू 2। अब देखें यहाँ पर 4 है तो इसको 2 स्क्वायर लिखते हैं, तो लिखेंगे log x प्लस 12 2 के पावर 2 इक्वल टू log x बेस टू 2। अब देखिए पावर है इधर आएगा तो 1 अपॉन में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 log x प्लस 12 और बेस टू 2 इक्वल टू log 2 और x, ठीक है। अब 1 अपॉन 2 है इधर आएगा, तो इसको लिखेंगे log x प्लस 12 बेस टू 2 इक्वल टू 2 log x बेस टू 2। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 2 जब ऊपर आएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी log x प्लस 12 बेस टू 2 इक्वल टू log x स्क्वायर बेस टू 2। देखिए दोनों में बेस इक्वल है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये और x स्क्वायर, तो x प्लस 12 इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखिए ये सब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4, फिर प्लस 3 कॉमन लेंगे हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में कर लेंगे x माइनस 4 x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों 0 बराबर है तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4 और इसका मिलेगा माइनस 3। तो यही हमारा राइट आंसर है।